हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 की हिंदी पुस्तिका भाषा अभ्यास का पाठ 13 प्रिय पौधा का प्रश्न उत्तर करेंगे। इस पाठ का जो मेन पुस्तक है भाषा माधुरी, उसका प्रश्न उत्तर हमने प्रीवियस वीडियो में कर चुका है। आज हम भाषा अभ्यास का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, पाठ प्रिय पौधा में आए र के विभिन्न रूपों के तीन तीन शब्द लिखिए। तो र का किस किस तरीके से, किस किस मात्रा के द्वारा र का उपयोग किया जाता है, उसे आपको लिखना है। तो जैसे यहाँ रेफ, यहाँ क्र की मात्रा र, ठीक है, और यहाँ री, ये मात्रा है। तो इस तरीके से क्या क्या लिखा जाता है, तो मैंने जैसे यहाँ कार्य, आकर्षित, स्पर्श, प्रसन्न, इसमें ये मात्रा हुई, तो इस तरीके से मैंने यहाँ लिख दिया है। आप और भी बहुत सारे जो भी शब्द हैं इन सारे मात्रा वाले, उसे भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए संज्ञा शब्दों को विशेषण शब्दों में बदलिए। तो सरलता, सरलता एक संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा, सरल, ठीक है, सरल एक विशेषता है। प्रसन्नता का विशेषण होगा प्रसन्न, सुख का सुखी, दया का दयालु, तो ये हो गए विशेषण वाले शब्द। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में कुछ शब्द उपसर्गों के योग से बने हैं और कुछ प्रत्यय के योग से बने हैं, इन्हें छांटकर सही वर्ग में लिखिए। तो यहाँ जितने भी शब्द दिए गए हैं उन्हें आपको उपसर्ग वाले लाइन में उपसर्ग को लिखना है और प्रत्यय वाले में प्रत्यय को। उपसर्ग क्या है, किसी भी शब्द के आगे जो लग के शब्द का अर्थ बदल दे। जैसे यहाँ भर पेट, पेट में यदि भर जुड़ जाता है तो भर पेट यानी भरा हुआ पेट, यानी अर्थ बदल गया। फिर हर घड़ी, घड़ी एक है, घड़ी के आगे हर लगा देते हैं तो हर घड़ी, घड़ी मतलब सिर्फ घड़ी, और हर घड़ी मतलब मैंने हमेशा, ठीक है। प्रतिदिन, दिन के साथ एक प्रति जुड़ा, पुत के साथ क जुड़ गया, मान के साथ अप जुड़ा और हाल के साथ बद उपसर्ग जुड़ा। इसमें है मिला जोर वट, मोर जोर नी, चांद जोर नी, मधुर जोर ता, हवा जोर खाना, फिर गाड़ी जोरवान, ये सारे जो है प्रत्यय वाले शब्द हो गए। अगला प्रश्न है, पढ़िए और समझिए, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। अब नीचे इसी पर आधारित प्रश्न है, नीचे दिए गए अव्यय शब्दों का प्रयोग करके करते हुए एक एक शब्द बनाइए। इसलिए, इसलिए एक अव्यय से आपको एक वाक्य बनाना है। तो मैंने लिखा है जैसे, इसलिए आम मुझे पसंद है, और सीता और गीता एक ही कक्षा में पढ़ती हैं, तथा राजा ने अपनी प्रजा के लिए नगर में तालाब, कुएं तथा मंदिर का निर्माण करवाया, किंतु रमन ने साहिल को अपने जन्मदिन पर घर बुलाया किंतु वह नहीं आया। तो ऊपर में जो आपको ये लाइन दिए गए हैं इसमें अव्यय वाले शब्द के बारे में दे दिया गया, कब, तब, धीरे धीरे, किंतु, परंतु, आजकल, ये सब जो है अव्यय वाले शब्द हैं। इसके आधार पर आपको यहाँ वाक्य बनाना है। इस तरीके के आप दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पंक्तियों को कहानी के क्रम के अनुसार लिखिए। तो आपने जो प्रिय पौधा पढ़ा है तो उसमें ये जो लाइंस दिए गए हैं, कौन सा लाइन पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ये आपको लिखना है। तो जैसे सबसे पहले आएगा, हरि प्रतिदिन पौधे की देखभाल करता था। दूसरा आएगा, प्रदर्शनी के एक दिन पहले उसका पौधा चोरी हो गया। तीसरा आएगा, हरित ने संयोजक को बताया कि उसका पौधा संगीत पर झूमता है। चौथा आएगा, सर्वश्रेष्ठ पौधा का पुरस्कार हरित को मिला। प्रश्न संख्या 6 है, नीचे लिखे शब्दों के विलोम बनाइए। तो विलोम का अर्थ है उल्टे अर्थ वाले शब्द, संयोग का असहयोग, फिर असहयोग, निश्चय अनिश्चय, शांत अशांत, धर्म अधर्म, सहयोग असहयोग, स्वीकार अस्वीकार। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों के सामने काल का नाम लिखिए। तो आपको काल का ये वाक्य पढ़ के आपको कौन सा काल होगा वो लिखना है। तो हरित का पौधा बड़ा हो गया था, तो ये भूतकाल का शब्द है, वाक्य है। हरित का पौधा नृत्य जैसी क्रिया करता है, तो ये वर्तमान काल हो गया। हरित पौधे के सामने गिटार बजाएगा, तो ये भविष्यत काल हो गया। बच्चों ने कहानी सुनी थी, तो ये भूतकाल हो गया। हम कल बाजार जाएंगे, ये भविष्यत काल। फिर दुकानदार फल बेच रहा है, तो ये वर्तमान काल। गांव में एक कुआं था, तो
तो ये भूतकाल। तो सबसे पहले तो आपको काल के बारे में समझना होगा, जो काम अभी यदि हो रहा है, प्रेजेंटली अब चल रहा है, तो ये वर्तमान काल, जो हो चुका है तो वो भूतकाल, और जो भविष्य में होने वाला है, मैंने अभी हुआ नहीं है और आगे हो सकता है या होगा, तो वो हो जाएगा आपको भविष्यत्काल। अगले प्रश्न पे आते हैं। नीचे दो दो शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, यदि दोनों के अर्थ समान है तो स पर, और विपरीत है तो बी पर घेरा लगाइए। तो जैसे यहाँ दो दो जोड़े वाले शब्द दिए गए हैं, जैसे कम और ज्यादा, तो ये दोनों क्या है, समान अर्थ वाले तो नहीं है। कम मतलब कम मात्रा में और ज्यादा मैंने बहुत ज्यादा, तो ये दोनों अर्थ जो है दोनों के अलग अलग हैं, तो इसको हम लोग वी पे इसमें घेरा लगाएंगे। आदर सम्मान, तो ये दोनों जो है समान, आदर मैंने रेस्पेक्ट और सम्मान मैंने भी इज्जत, रेस्पेक्ट ही होता है, तो इसे हम स पर घेरा लगाएंगे। अगला है नवीन पुरातन, नवीन मतलब नया और पुरातन मतलब पुराना, तो ये दोनों जो है एक अर्थ नहीं है, अलग अलग अर्थ हो गए, तो इसे हमें बी पर घेरा लगाएंगे। शत्रु मित्र, ये भी अपोजिट है, दोनों अलग अलग अर्थ हैं, तो इस पे वी पे हम लोग घेरा लगाएंगे। हर्ष प्रसन्नता, हर्ष मतलब खुशी, मैंने खुशी एक्साइटमेंट, और प्रसन्नता, प्रसन्नता मतलब भी खुश होना, तो ये दोनों समान अर्थ वाले हैं, तो इसमें स पर घेरा लगाएंगे। च, जन्मभूमि मातृभूमि, दोनों का एक ही अर्थ है, जन्मभूमि और मातृभूमि, ये दोनों एक ही अर्थ वाले शब्द हैं, तो इसमें हम स पर घेरा लगाएंगे। अगला प्रश्न है, पैरों को सुरक्षित रखने के लिए कोई तीन उपाय लिखिए। इसका अर्थ है कि हम पैर को किस तरीके से मतलब बचा सकते हैं, उसको सुरक्षा कर सकते हैं उसकी। तो पहला होगा कि हमें पेड़ नहीं काटनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप देखते हो ना, बहुत सारे पेड़ काट कर, पूरे पेड़ को काट देने के कारण ही इतना सारे जो है पोल्यूशन हो रहे हैं, सारे हो रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां होती है, तो हमें पेड़ कभी नहीं काटना चाहिए। हमें लकड़ियों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, यदि जरूरत ज़्यादा ना हो तो हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, और यदि जितना हो सके हमें कम से कम लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए ताकि पेड़ कम कटे। और अगला है, हमें पेड़ों को प्रतिदिन पानी देना चाहिए। तो ये है उनको सुरक्षित रखने के उपाय। तो इस तरह से इस पार्ट के सारे प्रश्नोत्तर यहाँ